ऐसे प्लांट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसको आप गार्डन में लगा सकते हैं और काफ़ी दिनों तक फ्लावर पा सकते हैं। तो आज मैं अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, चलिए दिखाती हूँ मैं अपनी शॉपिंग। देखिए रेनो कलर्स लगाया है मैंने, पिंक शेड है अभी। वैसे ये रोज़ की तरह खिलता है और देखने में सुंदर ही बहुत ही रोज़ लगता है। अब ये वाइट कलर है और ये पिंक शेड मैंने लिया है। इसके बाद ये देखिए मैंने ये लिया है जरवेरा, मेरे पास नहीं था, बहुत दिनों से सोच रही थी मैं लेने की। एक ये जरवेरा बिल्कुल पेरिनियल प्लांट है, आप इसको जब तक फ्लावर पाएंगे उसके बाद आप उसको शेडेड एरिया में रख दीजिए और पूरे साल इसमें फ्लावर पाएंगे आप। ये देखिए एक ये डेंथस, ये डेंथस है, देखिए कितने सुंदर कलर्स हैं। डेंथस तो ऐसा है आप बिल्कुल आप इसको पूरे साल फ्लावर पा सकते हैं। मैंने एक मैंने आप वीडियो शेयर की हुई है आपको कटिंग से कैसे ग्रो करें, तो आप देखिएगा देखिएगा हम अब जब तक फ्लावर पा रहे हैं इसको भाई मार्च तक तो इसको फ्लावर मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद मैं इसको शेडेड एरिया में रख दूँगी और फिर पूरे साल इसमें फ्लावर आते ही रहेंगे। मेरा तो आपने मैंने शेयर किया था आपसे तो पूरे साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं। इसके बाद आता है पिटोनिया, पिटोनिया भी ऐसा फ्लावर है, आप मई तक आप सब फ्लावर ले सकते हैं। और ये पिटोनिया आई है तो मैं अभी मैंने इसको बास्केट में लगाया है और मैंने अक्टूबर में जो पिटोनियाज लगाई थी वो काफ़ी ब्लूमिंग पे आ चुकी है। ये देखिएगा मेरी वो पिटोनियाज जो मैंने अक्टूबर में लगाई थी, देखिएगा कितनी ब्लूमिंग पे है, वो देखिएगा कितनी ब्लूम कर रही है रेड कलर की पिटोनियाज ये मैंने अक्टूबर में लगाई थी। कितना फ्लावर बस उसकी डेड फ्लावर्स में वो पिंचिंग करती रहती हूँ, देखा कितने ब्लूम्स पे हैं पिटोनियाज मेरे। पिटोनिया ऐसा फ्लावर है तो आप बहुत दिनों तक आप जो फ्लावरिंग देख सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर मतलब अच्छा कलर देते हैं पिटोनिया से आपके गार्डन में। और ये डेड फ्लावर्स हैं आप उसको पिंचिंग करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लावर्स इसमें पाते रहेंगे। ये देखिए उसके बाद मैंने ये देखिए रजानिया है, रजानिया भी काफ़ी दिनों तक हमारे गार्डन में रहता है, इसके बहुत ही सुंदर से मैंने फोर कलर्स लिए हैं। देखिएगा कितना सुंदर है, आप इसमें बंचिंग देखिए कितनी अच्छी, जब भी लाएं तो बंच ज़्यादा हो, आप ये देख के लाएँ आपने नर्सरी से, देखिए बहुत सारी बंच आ रही है इसमें, देखिए बनी हुई है इसमें भी पांच छह। तो ऐसा प्लांट आप चूज़ करिए जिसमें बहुत सारी बंचेज हों, कलर कितना सुंदर है ये देखिएगा। और गाइस ये देखिएगा मैंने एक ही फ्लावर सकुलेंट लिया है, मैं काफ़ी दिनों से इसकी तलाश थी, आज आखिर मुझे मिल ही गया। ये देखिएगा कितना सुंदर है, ये देखिएगा बहुत ही सुंदर है। तो मैं एक मैंने बुद्धा प्लांटर लिया है उसमें मैं इसको लगाना चाह रही थी। ये देखिएगा बहुत ही सुंदर इसकी ये, वैसे तो ये देखिए ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, सकुलेंट विंटर्स में तो बहुत ही अच्छे चलते हैं। ये देखिएगा और ये देखिएगा साल्विया, ये देखिए साल्विया, ये देखिए साल्विया कितना सुंदर है। ये देखिएगा ये मैंने करीब 10 कितने प्लांट लेके आई थी और नेक्स्ट वीक मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, ये तो पहले एक हफ्ते पहले पे ला चुकी है। देखिए धूप में मेरी करीब इसमें 6-7 घंटे की धूप आती है, जब भी आप 6-7 घंटे की जो धूप देंगे तभी इतना ब्लूम करेगा आपका साल्विया। ये साल्विया आपको मई तक फ्लावरिंग देता रहेगा, अच्छी पिंचिंग करते रहिएगा और गार्डन में अच्छा कलर देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है साल्विया। तो साल्विया अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइएगा, ये देखिएगा। और मैं कुछ ये प्लांटर मैंने लिए हैं गमले मिट्टी के, ये पॉट मेरे क्ले पॉट लिए और काफ़ी आप तो हमारे तो जितने भी आप पौधे लाएंगे हमेशा हमेशा ही कम पड़ जाते हैं, तो मुझे तो ये मिट्टी के पॉट ही बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्लास्टिक के पॉट में कम ही यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। ये देखिए मुझे 25 ईच दिया था ये वाला और 50 ये वाला दिया था, देखिएगा। तो गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप कमेंट करिएगा अच्छे से जैसे मेरी शॉपिंग लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे।